गाइज लाइट गई हुई है, हमारा नॉर्मली पावर बैकअप है 1 से 2 मिनट में आ जाता है, अभी 5-7 मिनट होने वाले हैं, पावर बैकअप नहीं आया, पंखे नहीं चल रहे, टीवी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा और एक्सट्रीम गर्मी लग रही है, अजीब से पसीने पसीने वाली हालत हो गई है। अयान को देखो वो बेचारा कैसे ठंडक का एहसास लेने के लिए मिल्क शेक पी रहा है। भगवान की लाइट में चले बाहर, बाहर में बिल्कुल हवा नहीं है। कितने एडिक्टेड हो गए ना हम लोग लाइट को कि 2 मिनट भी चली जाए। छोटे थे तो 4-4 घंटे का कट लगता था, एक बार कई बार तो रात रात भर लाइट नहीं आती थी और हम लोग उसको इंजॉय करते थे कि अच्छा ही नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी ऐसे लगता था तब, या स्कूल की सुबह छुट्टी हो जाएगी। और अभी लाइट गई है तो इतना अनइजी लग रहा है। गाइस मैं आपको कैसे राजा से मिलवाने जा रही हूँ आज। आपने मुगलों के ज़माने के राजा सुने होंगे, आपने हर ज़माने के राजा सुने होंगे, है ना, राजा रानी किंग हमने स्टोरीज सुनी है। आज मैं आपको लाइव राजा दिखाने वाली हूँ। ये देखिए जो हमारा बेटा है ना, ये 1921 का राजा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो वो ऐसे है कि मैं मार्केट गई थी, इसे मुझे स्पेशली चिप्स मंगवाया कि मम्मा प्लीज़ मेरा बहुत मन कर रहा है मुझे खिला दो। और जब मैं लेके आई तो इसने मुझे कहा मम्मा मैं खा नहीं पा रहा, मम्मा मुझसे नहीं खाया जाएगा, ऐसी शक्ल बना के। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं डर गई, मैं कहा क्यों क्या हो गया, लाइट नहीं है, मैं टीवी के बगैर कैसे खाऊं, मतलब बताओ, मतलब अति अति मतलब हमने इतना बिगाड़ दिया है कि लाइट के बगैर वो खा नहीं सकता, तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो एक काम करते हैं ना, चिप्स का पैकेट मेरा हो गया, तो लाइट के बगैर खा नहीं सकता तो मैं खा लूंगी लाइट के बगैर। तो मैं खोलती हूँ कि भागना पड़ेगा तो मैं लूंगा कैसे, ये तो तेरे को नहीं मिलेगा, मैं कहूंगी भगा दिया क्योंकि तो खा नहीं पाएगा ना लाइट के बगैर, तू तो लाइट के बगैर खा नहीं पाएगा, कर दिया ना सीधा। तो आपका क्या हाल है, लाइट के बगैर लाइफ कैसी लग रही है? हमारा तो ठीक है, बेचारी मेड पर मैंने रसोई किचन बंद करवाई हूँ। हाँ। मैं बाहर निकलो इतनी गर्मी कैसे। मम्मी हम लोग जब छोटे थे तो लाइट जाती थी 10-10 घंटे रात को। हाँ। और रहा जाता था, अभी तो 5 मिनट में, जबकि पावर बैकअप है 2 से 3 मिनट में लाइट आ जाती है, 1 मिनट में पता नहीं लगता, मे बी कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से लाइट नहीं आई है। और हमें ऐसे लग रहा है वो कचौरी बना रही थी हमारे लिए, माइकल में कचौरी बंद करी, उसकी फ्लेम बंद करी, मैंने कहा नहीं पहले लाइट आ जाए फिर। तो ये पापा मोबाइल पे लगे हुए हैं, इधर मम्मी मोबाइल पे लगी हुई है। आप मोबाइल पे नहीं लगे हुए थे, लगे हुए थे कि नहीं? नहीं लगे हुए थे। वहाँ पे नानू नानी भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, मैं भी मोबाइल पे लगी हुई हूँ, सिर्फ एक अयान हमारा जो है, वैसे तो ये भी मोबाइल पे लगा रहता है, ये तो बाई चांस टीवी पे लगा हुआ है। गाइस मुझे ना एक गंदा सा पिंपल निकल आया है, तो मैंने इस पर एक दवाई लगाई है, इससे पिंपल एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो हम सभी मोबाइल पे लगे हुए हैं, पापा मोबाइल पे लगे हुए थे, मम्मी मोबाइल पे लगी हुई थी, ये भाई साहब टीवी बाय चांस देख रहे हैं तो ये भी मोबाइल पे लगा रहता है। तो अच्छा लाइफ कितनी मोबाइल मोबाइल हो गया ना, लाइट चली जाए तो हम लोग अनइजी हैं, मोबाइल ना हाथ में हो तो हम लोग अनइजी हैं। कितना शोर आ रहा है पीछे से, ये ब्लॉगिंग कैसी तैसी कर देता है ये। चलो तो लाइट आ चुकी है वैसे। तो आंटी क्या बना रहे हो? अरे आंटी ने क्या बनाया है? पूड़ी। इतनी सारी पूड़ियाँ तो कचौरी पूड़ी, आंटी हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमारे को खाना खिलाती है टेस्टी टेस्टी, मेरे को सुबह की चाय आंटी पिलाती है, आलू की सब्जी बड़ी टेस्टी बनाई, आलू की वो सब्जी साथ में बनाई है। हमें कुकिंग चैनल क्यों नहीं खोल लेते? हाँ दीदी खोल लो, मैडम भी साथ में, आप दोनों मिलकर कुकिंग चैनल खोल लो, ठीक है? तो मैं मम्मी को इनकरेज करूंगी कि वो कुकिंग चैनल खोले, मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा स्वाद खाना बनाती हैं, उनको बहुत सारी चटनियाँ बनानी आती हैं, उनको ऐसी ऐसी टिप्स आती हैं जिससे काम जो किचन की सब्जियों का काम है वो बहुत क्विक हो जाए। जो तड़का बनाने में इतनी देर लगाते हो ना, इनके पास एक ऐसी रेसिपी है कि आपका तड़का आपको बनाना ही पड़ेगा, ईच टाइम एक ही बार बनाएंगे, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। उसकी रेसिपी मैं जल्दी बोलूंगी, मम्मी बनाओगे, उनकी भी हेल्प करो ना, बहुत से लोग वर्किंग है, कितना ईजी हो जाएगा, टाइम की बहुत बचत होती है उसमें। तो ये आप देख सकते हैं पूड़ियों का ढेर लगा है। एक बार फिर से बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई है, सुबह तो अयान नहाया था और अब फिर से तेज बारिश आ रही है, तो दिल्ली NCR में आ ही गए हैं मानसून। चलो चाय वाय पीते अंदर जाके, पूछती हूँ। हाँ जी कभी बैठी है मम्मी, तो चाय बनाऊँ? ठंडा तो बेटा, लोगों लगा चाय के साथ आप बारिश में चाय मांगोगे, चलो ठंडा पीना है, क्या पियोगे? तो चाय पियेंगे, पहले ठंडा पिला दो। ठंडे में क्या पीना है? कुछ भी लिया।
तो गाइस मम्मी को ठंडा पीना है, तो मैं मार्केट गई थी सुबह, सामान तो है मेरे पास। चलो आज मम्मी को सरप्राइज देते हैं, मम्मी को ठंडा पीना ना। आप लोग यहाँ रुक जाओ जरा, अब मैं ठंडे की तैयारी करती हूँ। मम्मी ने तो एक चीज़ मांगी थी, मैंने यहाँ चार अरेंज कर दी हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखते हैं क्या चाहिए उनको। आई तो हमारी चार चीज़ें रेडी हैं सरप्राइज। हाँ जी, आप ऐसे क्या बैठे हो, मैं क्या योगा वोगा कर रहे हो क्या? ये लीजिए, इतना कुछ इतना कुछ खड़ा पियूंगी बेटा। आपको क्या चाहिए आप वो चूज कर लीजिए। एक्सिबिटी मिलेगी आपको। ये सब चीज़ें क्यों ले आई, तो एक चीज़ पियूंगी सारी चीज़ें। आप चली गई थी आज सुबह और दिखाना भूल गई थी आपको सामान, तो जो दिल करे आपका पीजिए और आप लोग चाय पीजिए। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? चलो ठीक है, तो चलो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।